प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को यूपी की जनता इन्हें नींद से जगा देगी, इसके बाद ये लोग हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, लेकिन अब क्यों डरे भारत? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं है, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं, पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है।